हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.4। पॉलीनोमियल गिवन है और उसके टू जीरोस गिवन है। पॉलीनोमियल कितने डिग्री का है? 4 डिग्री का, तो 4 जीरोस होने चाहिए, 2 गिवन है, 2 हमें फाइंड करने हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 डिग्री का है, 2 वैल्यू एक्स की गिवन है, प्लस माइनस है, तो एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो माइनस टू और माइनस रूट थ्री कॉमा, इसको भी लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो माइनस टू प्लस रूट थ्री। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री, और इसको बनाते हैं एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री। अब देखिए इसको ए समझिए, इसे बी, इसे ए, इसे बी, एक किस पैटर्न बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का पैटर्न बन रहा है। ओके, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने रूट को बाहर रखा क्योंकि इसका जब स्क्वायर होगा तो थ्री आ जाएगा, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये बना एक्स माइनस टू का स्क्वायर और रूट थ्री, रूट थ्री यानी कि माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, और ये माइनस आपका थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर। ये मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस फोर माइनस थ्री प्लस वन, इसको हम लिख देते हैं जी एक्स। ठीक, अगर टू और फोर दोनों अलग अलग किसी को डिवाइड करते हैं, सपोज एट को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई भी तो एट को डिवाइड करेगा, यही सिस्टम ये है। ये टू और फोर समझिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी इसको डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू थी यहाँ पे, हमने इनको यहाँ पे कन्वर्ट किया, a प्लस बी ए माइनस बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकाल लिया, जिससे हमें एक पॉलीनोमियल मिला जिसको हमने नाम दिया gx। अब gx से px को डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर जीरो मिलना चाहिए, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद जो हमें क्वोशेंट मिलेगा उससे हम दो और जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, हमको जी एक्स मिला एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, अब डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, इससे डिवाइड करना है, एक्स टू दी पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव, इसको डिवाइड करना है। क्लियर, एक्स टू दी पावर फोर है एक्स स्क्वायर में, तो x टू दी पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, x टू दी पावर 4 आ गया। अब इसका बाकी स्टेप में भी करेंगे, तो माइनस फोर एक्स क्यूब और x स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस x स्क्वायर, नाउ सब्ट्रैक्टिंग, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, माइनस 6 और माइनस वो प्लस 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर और माइनस 1, तो माइनस 27 एक्स स्क्वायर, बाकी के टर्म हम एज इट इज राइट कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, यहाँ पे माइनस 2x क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस 2x का करेंगे, तो ये इसमें जब माइनस 2x का करेंगे तो माइनस 2x क्यूब, माइनस टू एक्स का इसमें करेंगे तो फोर टू जा एट एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस टू एक्स का प्लस वन में करेंगे तो माइनस टू एक्स आएगा, सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, तो 27 और 8 35 एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का, और इसमें जब सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 136x, नो ऐड हो जाएगा 140 होगा, प्लस प्लस के दोनों साइन चेंज हो गया था, और ये माइनस 35।
अब क्या चाहिए हमें, कुछ नहीं सिर्फ 35 चाहिए, वो भी माइनस का। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 35 का प्लस 4 के साथ, तो 5 4 20 और 5 3 4 3 12 और 12 2 14, तो हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस 140x। फिर माइनस 35 का प्लस 1 से, तो माइनस 35 और ये देखिए सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे आएगा आपका प्लस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी मिला जीरो। ठीक, अब हमको क्वेश्चन जो मिला उससे हम बाकी टू जीरोस फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या मिला हमें, ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं, मिडल टर्म को ब्रेक करके, ये आपको पहले सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। ठीक है, तो 7 5 35 और सबट्रैक्ट करने पे आना चाहिए माइनस 2, तो x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 5x माइनस 35, ब्रेक कर दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, पेयर बना दिए, x कॉमन है x माइनस 7, यहाँ पे क्या कॉमन है 5 और x माइनस 5 7 था 35, ये दोनों पेयर इक्वल आने चाहिए हमेशा। अब x माइनस 7 कॉमन है और x प्लस 5 बचेगा, इसमें x बचा और इसमें 5 बचा। अब जीरोस फाइंड करने के लिए एक एक को जीरो के इक्वल कर देंगे, x माइनस 7 इक्वल टू जीरो, तो क्या मिलेगा x इक्वल टू 7, x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो क्या मिलेगा x इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस 5। तो टू मोर जीरोस, x इक्वल टू 7 कॉमा माइनस 5 एंड दैट इज योर आंसर। ओके, इट इज नॉट सेम, सो राइट हियर, here you can write you got two more zeros x equal to 7 comma minus 5. Okay, yes, easy, it is very easy.